केंद्र को भेजी थी। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो अपनी तरफ से जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दे और खुद जांच की निगरानी करे। सरकार चाहती है कि इस तरह के दुखद हादसे में मारे जाने वाली युवती को न्याय मिलना चाहिए, मामले का सच सामने आना चाहिए, इसलिए उसने पहले एसआईटी का गठन किया। वहीं यूपी के हाथरस में हुई उस घटना की जिसको लेकर पिछले 24 दिन से देश उबल रहा है, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। साथ ही पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए लखनऊ बुलाया गया है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी है। इसके लिए परिवार के 5 लोग और कुछ रिश्तेदार आज लखनऊ रवाना हो रहे हैं। यूपी पुलिस इन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में लखनऊ ले जाएगी। डीआईजी लखनऊ शलभ माथुर पीड़िता के गांव जाकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम निजामी, बहुत अहम हो जाता है हाथरस केस क्योंकि अब एक के बाद एक अपडेट जिस तरह से सामने आ रहे हैं और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्या जानकारी इसको लेकर? अपने हाथों में ले लिया है, इंतजार हो रहा है कि वो कब यहाँ आती है उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद यूनिट इसकी इसका जांच करेगी सीबीआई की। ये बात तकरीबन साफ हो चुकी है, गाजियाबाद यूनिट जांच करेगी और इंतजार है कि वो कब हाथरस आती है, कब मुकदमा दर्ज करती है और सब चीज अपने हाथ में लेती है। हालांकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जितने भी एविडेंसेस है, जितने भी कुछ है इस केस से बाबत, वो सब का सब सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन कल एक अहम तारीख है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, क्योंकि कल सारे आला अधिकारी मौजूद होंगे, डीएम मौजूद होंगे, डीजीपी मौजूद होंगे, एसीएस होम मौजूद होंगे, एसपी हाथरस मौजूद होंगे, डीएम हाथरस मौजूद होंगे, साथ में होगा पीड़ित परिवार। तो बार बार जो बात कही जा रही है जांच को लेकर के कि पीड़ित परिवार जो है वो नहीं चाहता सीबीआई, वो चाहता कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में मॉनिटरिंग में ये जांच हो, क्या कुछ होता है कि क्रिमेशन को लेकर के हियरिंग है बेसिकली। देखिए बात बिल्कुल साफ कर दे आकांक्षा कि कल जो हियरिंग होनी है लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो क्रिमेशन को लेकर होनी है, वो गैंग रेप को लेकर नहीं होनी है, वो इसको हत्या को लेकर नहीं होनी है, किस तरीके से जांच, किससे जांच होनी चाहिए उसको लेकर नहीं होनी है, वो क्रिमेशन को लेकर होनी है कि एक जो व्यक्ति मर गया है उसके अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं है, क्यों रात देर रात आपको डेड बॉडी जला देनी पड़ी और बगैर कंसेंट और बगैर उनकी मौजूदगी में ऐसा क्यों किया गया, इस बात पे हियरिंग होनी। तो जाहिर सी बात है पीड़ित परिवार वहां पर होगा, तब बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो कुछ भी पीड़ित परिवार कोर्ट के समक्ष अपनी बात कहेगा वही मानी जाएगी, कोर्ट उसको मानेगा सुनेगा, उसके बाद क्या होता है तो कल मालूम चलेगा। लेकिन कल की तारीख बड़ी अहम होगी हाथरस मामले में, क्योंकि कल ही उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई एक तरफ पहुंच सकता है हाथरस, वहां मुकदमा दर्ज कर सकता है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हियरिंग होनी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इसी बाबत हियरिंग होनी है, डेट दिया हुआ था। तो ये पूरा अपडेट अभी तक की है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एसआईटी अभी भी जांच कर रही है, अब सीबीआई करेगी तो क्या एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी, पैरेलल चलेगी, या फिर जो भी कंक्लूजन तक एसआईटी पहुंची है वो सीबीआई के हवाले कर देगी, ये और देखना बाकी होगा। शुक्रिया आपका।